गुड आफ्टरनून मेनका लास्ट क्लास में हम लोगों ने फास्ट ब्लॉक किया था सी में दोनों तरह का है fast block and slow block. पहले कौन करेगा? Fast block and then इसके बाद स्लो ब्लॉक तो फास्ट ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है किस तरह से चेंज आते हैं और सेल uh, की फिजियोलॉजी में क्या चेंज हुआ उन पॉइंट को डिस्कस किया आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लो ब्लॉक तो ये स्लो ब्लॉक क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है इसके मेजर इवेंट्स क्या हैं उसमें क्या चेंज होने वाला है इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे साथ साथ में हम लोग फास्ट ब्लॉक से इसे कंपेयर भी करेंगे ठीक है फास्ट ब्लॉक पॉलिस पर स्टार्ट होता है विद द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग मेम्ब्रेन जैसे ही स्पर्म और एग मेम्ब्रेन के बीच में कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश होता है वैसे ही फास्ट ब्लॉक प्रोसेस भी क्या होगा स्टार्ट हो जाएगा लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्टडी कर लिया कि जैसे ही मेम्ब्रेन फ्यूजन होता है और कंटेंट इस पर रिलीज होते हैं उसमें से कुछ मेटाबोलाइट्स भी कुछ कंपाउंड भी रिलीज होते हैं और शायद ये कंपाउंड सी ट्रिगर करते हैं फास्ट ब्लॉक रिएक्शन को ठीक है उस फास्ट ब्लॉक रिएक्शन में मेमब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ था एक ओवम जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस सेवेंटी मिली बोल्ट है ठीक है लेकिन जैसे ही सक्सेसफुल कोई भी स्पर्म एक सिंगल स्पर्म सक्सेसफुली फ्यूज होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्ट हो जाता है माइनस सेवेंटी टू प्लस ट्वेंटी यही डिफरेंस मेम्ब्रेन पोटेंशियल का चेंज फ्रॉम माइनस सेवेंटी टू प्लस ट्वेंटी प्रिवेंट करता है फर्दर स्पर्म की फ्यूजन को लेकिन ये प्रोसेस ट्रांजिएंट है कैसा है देखो डिफरेंस समझ लो फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक फास्ट ब्लॉक हम लोग स्टडी कर चुके तो जैसे ही कोई भी स्पर्म सक्सेसफुली फ्यूज होगा अर्थात पहला स्पर्म सक्सेसफुली फ्यूज होगा उसी के साथ कौन स्टार्ट हो जाएगा फास्ट ब्लॉक उसी के साथ कौन स्टार्ट होगा इसका मतलब बहुत ज्यादा लैग टाइम नहीं है फ्यूजन के साथ ही रिएक्शन स्टार्ट हो गया ये ध्यान रखोगे इसमें इस फास्ट ब्लॉक में चेंज uh, क्या आना है इसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा या कौन सा मैकेनिज्म रिस्पांसिबल है फास्ट ब्लॉक प्रिवेंशन के लिए तो चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम -70 टू +20 ये आपको ध्यान रखना है ठीक है और जब आप इसको स्टडी कर रहे थे तो कौन से आयंस के इनफ्लक्स की वजह से ये चेंज आया था बताइए सोडियम आयंस के इनफ्लक्स की, की वजह से क्या हुआ था ये चेंज आया ये ध्यान रखोगे लेकिन क्वेश्चन ये है क्या ये चेंज परमानेंटली को ब्लॉक कर सकता है या नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है क्योंकि विद इन मिनट ये 20 मिली बोल्ट्रेन पोटेंशियल दोबारा शिफ्ट हो जाएगा माइनस सेवेंटी मिली में जैसा आप लोग एक्शन पोटेंशियल में पढ़ते हैं मेम्रेन डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के साथ ही प्रोसेस स्टार्ट होगा रिपोलराइजेशन का तो ये रिवर्स हो जाएगा किस पर माइनस सेवेंटी मिली पर तो माइनस ट्वेंटी से शिफ्टिंग कहां होगी सेवेंटी और जैसे ही माइनस सेवेंटी पर दोबारा पहुंचेंगे तो ये जो प्रिवेंशन था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया तो ये परमानेंटली ब्लॉक नहीं कर सकता है, तो एक टर्म लिखा है लेकिन यदि हम फास्ट ब्लॉक के लिए स्टेटमेंट को लिखेंगे ठीक है तो नॉट सफिस नॉट सफिस टू प्रिवेंट पॉलिस परमी परमानेंटली डिफरेंस हो गया ना इस वजह से लो ब्लॉक पॉलिसपर्मी की रिक्वायरमेंट है इसेंशियली ये परमानेंटली पॉलिसमी को ब्लॉक करेगा मेमल्स में तो केवल यही प्रोसेस मिलता है ठीक है बिकम एक्टिव अबाउट ए मिनट आफ्टर दक्सेसफुलिसम एन तो यहां पर आफ्टर टर्म लिखा हुआ है लगभग एक मिनट के बाद जबकि फर्स्ट ब्लॉक में यह स्टार्ट हो जाएगा विद दूजन विद दूजन ये ध्यान रखोगे ट फास्ट ब्लॉक सफिसियंट नहीं है स्लो ब्लॉक कैसा है सफिसियंट परमानेंटली परमानेंटली पॉलिस को ब्लॉक करने के लिए कौन कैपेबल है स्लो ब्लॉक फास्ट ब्लॉक कैपेबल नहीं है लेकिन जब तक स्लो ब्लॉक रिस्पॉन्ड नहीं करता है तब तक एक और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स सेल के पास है और वो कौन सा है फास्ट ब्लॉक ये ध्यान रखोगे ठीक है जब हम लोग फास्ट uh, ब्लॉक में आते हैं तो यहां एक टर्म है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन जबकि फास्ट ब्लॉक में चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आल्सो नोन एस स्लो ब्लॉक को स्लो ब्लॉक भी कहते है, या बोले. Species, mammals. Mammals में ही पाया जाता है तो ये फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक में क्या है डिफरेंस फास्ट ब्लॉक एक रिस्पॉन्स फ्यूजन के साथ स्टार्ट होगा जिसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगी और लगभग ऑन एन एवरेज मिनट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा लेकिन इसके बाद न्यूट्रल हो जाएगा को करने के लिए किसकी जरूरत है? स्लो जैसे फ्यूज हुआ ठीक है तो फर्स्ट स्पर्म एक जो स्पर्म सबसे पहले होगा या कह सकते हैं जो कैपेबल है वो सबसे पहले फ्यूज हुआ लेकिन उसी के साथ और भी तो स्पर्म वाइटलाइन लाइन के साथ वो अटैच हो चुके हैं और वो भी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के लिए प्रिपेयर्ड हैं ठीक है तो ये जो फास्ट ब्लॉक पॉलिसी है वो वाइट या जस्ट मेम्ब्रेन के क्लोज प्रेजेंट स्पर्म के फ्यूजन को उनके डिसोसिएशन को ठीक है इंड्यूस नहीं कर सकता अर्थात उनको वहां से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है फास्ट ब्लॉक पॉलिस ऐसे स्पर्म को वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जो उसके साथ अटैच हो चुके हैं वाया बाइंडिंग रिसेप्टर या वो मेम्ब्रेन के बहुत क्लोज है तो जब ये डिस्प्लेस कर नहीं पा रहा है अगले एक मिनट में ही आ, -70 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्स होकर के आ जाएगा फ्रॉम प्लस 20 मिलीवोल्ट तो यदि ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे स्पर्म अटैच हैं ओबम के साथ वो वन मिनट बाद फ्यूजन कर सकते हैं और पॉलिस हो जाएगा तो हमें एक ऐसे की जरूरत है जो वाइटलाइन और के क्लोज प्रेजेंट स्पर्म को डिस्प्लेस कर सके और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना सके जिसको ये पेनेट्रेट ना कर पाए अर्थात उसके साथ अटैच भी ना हो पाए ये समझ में आ रहा है ये कौन करेगा स्लो ब्लॉक पॉलिस अब ये कैसे पूरा होगा ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स कैसे डेवलप होता है इसमें क्या चेंज करना है उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं ठीक है तो एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर इन्वेलप है जिसे आप वाइटेलाइन लाइन कहते हो क्या बोलते हैं दो चेंज करना है मेमोलिन सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे कि आप लोगों ने जेना जोना पेलिसुडा में आपने स्टडी किया किस तरीके से जेड पी टू प्रोटीन्स को कट कर दिया तो रिसेप्टर्स को ब्रेक कर दिया और दूसरा आपने पढ़ रखा है कि मेम्ब्रिन्स में प्रेजेंट रिसेप्टर्स को रिलीज कर दिया जोनो प्रोटीन्स को रिलीज कर दिया ठीक है तो एक तरह से स्पर्म की जो बाइंडिंग साइड्स थी उनको रिमूव कर दिया तो जोना के साथ अटैचमेंट और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन प्रिवेंट कर लिया था और साथ साथ में जोना पेल्यूसिडा का केमिकल कंपोजिशन भी चेंज कर लिया उसे और बेहतर बना लिया और हार्ड बना लिया जिससे पेनेट्रेशन ना हो सके जस्ट उसी तरह का रिस्पॉन्सर चीन में भी होता है जो बाहर की वाइटेल है इन्वेलप में प्रेजेंट स्पर्म रिसेप्टर्स को ब्रेक करना है ठीक है ये ध्यान रखोगे साथ साथ में इस वाइट लाइन इनवेलप और ट्रांसमेंब्रेन प्रोटीन्स, जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर वाइटेलाइन इन्वेलप है तो बहुत सारी मेम्ब्रिन प्रोटीन्स वाइटेल के साथ क्या है, है. उन को कर देना है और बढ़ जाएगा, उसका कैसे बढ़ जाएगा उस पॉइंट को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और इस तरह से उसके केमिकल कंपोजिशन को भी चेंज करना है इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को ब्रेक कर देना है तो स्लो ब्लॉक पॉलिसी में कोर्टिकल रीजन में प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स के कंटेंट को बाहर रिलीज कर देते हैं उन ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट एंजाइम्स वाइटलाइन इनवेलप और इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को कट कर देते हैं ठीक है म्यूकोपोलीसेक्राइड सिक्रीट से होने की वजह से वो एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जनरेट करते हैं और उस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से वाटर एब्जॉर्ब होकर के आने लगता है वाइटलाइन इनवेलप और मेम्ब्रेन के बीच में और वो स्वेल कर जाती है स्वेल करने का मतलब ये हो जाएगा वाइटेलाइन इनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की दूरी क्या होगी बढ़ जाएगी और ये स्ट्रक्चर और भी हार्ड हो जाएगा ठीक है साथ साथ में एक हाइलिन लेयर भी बन जाएगी जो एक प्रोटेक्टिव लेयर और एडिशनल होगी इस तरह से जो अटैचमेंट है स्पर्म का वाइटेलाइन इनवेलप के साथ वो भी ब्रेक हो जाएगा और वाइटेलाइन इनवेलप और हार्ड हो जाएगा और बेहतर स्ट्रक्चर स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन इनवेलप भी कहेंगे तो वाइटेलाइन इनवेलप हार्ड हो जाएगा उसकी प्रोटीन्स में क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी ठीक है एक स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और जब उसमें ये हो जाएंगे इन्हीं चेंजेस को हम लोग नाम देते हैं उस समय उस स्ट्रक्चर को नाम देंगे वाइटेलाइन इनवेलप को ही नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन इनवेलप तो वाइटेलाइन इनवेलप ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें और ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया

जब रिलीज हुए तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिलीज हुई और उन प्रोटीन्स ने क्या चेंजेस किए ठीक है ठीके? ये ध्यान रखोगे। फॉर्मेशन की कहां से होगी? और क्या -क्या आने वाले हैं? हम लोग उन को करने चल रहे हैं। कोई समस्या यहां पर <coughs> बताइए कोई समस्या अपॉन सक्सेसफुल एंट्री ऑफ ए इस पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूज मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर कंटेंट इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड दाइब्रस मैट ऑफ वाइटलाइन इनवेल प्रोटीन ये ध्यान रखोगे सेवरल आर एक्सोसाइटोसिस ठीक है ध्यान रखेंगे दो चेंजेस आएंगे एक तो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को कट करना है जो इस पर बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है इस पर बाइंडिंग के लिए <coughs> तो देखो थोड़ा सा मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना रहा हूं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ जाएंगे और उम्मीद से ही सारे काम दुनिया में होते हैं देखो तो ये एक्सेल मेंब्रेन है और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है क्या है ग्रेन्यूल्स मैं थोड़ा समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा और ये बहुत आसान है ऐसा भी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड देखिए ये मेम्ब्रेन है ये स्पर्म का फ्यूजन है इस मेम्ब्रेन के बाहर वाइटलाइन इन्वेलप है इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या है वाइटलाइन इन्वेल्प है वो इस तरीके से मेम्ब्रेन और वाइटलाइन इन्वेलप के बीच में क्या प्रेजेंट है स्पेस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल नहीं है सेल के अंदर है स्पेस प्रेजेंट है क्या है स्पेस ये ध्यान रखोगे ये स्पेस है तो जैसे ही स्पर्म का फ्यूजन होगा इस फ्यूजन के साथ कॉर्टिकल रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे का जो रीजन है उसे ही क्या कहते हैं कॉर्टेक्स क्या नाम देंगे कॉर्टेक्स ठीक है मैं यहां पर केवल एक बेसिकल की बात कर रहा हूं सी अर्चिन के ओवम में लगभग पंद्रह हजार के अराउंड ग्रेन्यूल्स होते हैं ठीक है वो चारों तरफ प्रेजेंट होगी अब यहां ध्यान से समझेगा ये स्पर्म है जैसे स्पर्म मेम्ब्रेन और एक मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा इस फ्यूजन के साथ ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट क्लोज हैं वो मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगे और उसके साथ क्या होंगे फ्यूज हो जाएंगे तो देखिए यहां पर है कि आगे मूव करेगा और फाइनली मेम्ब्रेन के साथ क्या होगा फ्यूज हो जाएगा और फ्यूजन के साथ ही जो कंटेंट है वो क्या होगा बाहर रिलीज होने लगेगा जैसे जैसे ये कंटेंट बाहर आएगा यहीं पर तो एकट होगा यहां पर ये कंटेंट क्या हो जाएगा

बढ़ती जाएगी इसका मतलब वाइटेलाइन इनवेलप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया अर्थात तो वो और शिफ्ट हो गया है बाहर की तरफ ये समझ में आ रहा है अब ये बाहर की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है उसको यहां से समझे है। ये है मेम्ब्रेन और वाइटेलाइन इनवेल का अटैचमेंट किससे है वाइटेलाइन इनवेलप से वाया स्पेशलाइज्ड प्रोटीन देखिए मेम्ब्रेन की कुछ प्रोटीन है जो वाइटेलाइन इनवेलप को क्या कर रहे हैं एक सेल के साथ कनेक्ट कर रही हैं यह प्रोटीन से क्या कर रही हैं कनेक्ट कर रही हैं और यदि आप यहां पर देखें तो कनेक्शन क्या हो चुका है ब्रेक हो हो चुका है ये दूर हो रहा है है दूर रहा रहा समझ में आ ठीक है चीके? तो जब कंटेंट रिलीज होता है एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल तो मैं यहां पर दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा जब डी होगा टिकल ग्रेन्यूल्स का कंटेंट बाहर रिलीज हो गए तो दो मेजर चेंजेस आएंगे स्टूडेंट आपको इसे ध्यान रखना दोनों को अलग अलग ध्यान रखना है दो इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे ठीक है एक चेंज तो होगा कि वो ब्रेक कर दी जाएंगी इंजाइन के द्वारा जो वाइटेलाइन इन्वेल को मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं अर्थात इन प्रोटीन का क्या होगा ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा इनको क्लीव कर दिया जाएगा स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स जब ये क्लीव हो जाएंगे तो अब कोई अटैचमेंट तो है नहीं ये ध्यान साथ साथ प्रोटीन को भी स्पर्म को, तो को अटैचमेंट दे रहा था वाइटेलाइन इनवेलप के लेवल पर उन प्रोटीन को भी क्या किया जाएगा ब्रेक कर दिया तो स्पर्म को अटैच करने वाली प्रोटीन भी क्या कर दी ब्रेक कर दी और उन प्रोटीन को भी ब्रेक कर दिया जो प्रोटीन वाइटेलाइन इनवेल को मेम्रेन से कनेक्ट कर रहा था यह ध्यान रखेंगे ठीक है और ऐसा माना जाता है कि इस लेवल पर जो भी स्पर्म अटैच हैं उस अटैचमेंट को भी ये एंजाइम ब्रेक कर देते हैं अर्थात जो स्पर्म अटैच थे अटैच थे ठीक है अभी तक उनको क्या किया डिस्प्लेस कर दिया तो यहां पर आप देखें एक स्पर्म ये शो हो रहा है कि एंट्री कर गया है और बहुत सारे क्या है अटैच हैं तो जो इंजाइम्स रिलीज होते हैं वो स्पर्म को इनके अटैचमेंट को भी ब्रेक कर देंगे तो ये मेजर चेंज आ रहा है किसके द्वारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के कंटेंट के थ्रू समझ में आ रहा है इसका मतलब इंजाइम्स रिलीज हुए जिन्होंने इंपॉर्टेंट को क्या किया ब्रेक किया साथ में कुछ ऐसे भी कंटेंट रिलीज हो रहे हैं जिनके एकट होने से यहां वाटर की आसमोसिस शुरू हो जाती है कौन आना शुरू हो जाएगा वाटर जब वाटर आएगा तो स्वेलिंग शुरू हो जाएगी इसी स्वेलिंग की वजह से वाइटल लाइन इन्वेलप क्या हो रहा है ओवम की मेम्रीन से दूर जा रहा है यह ध्यान रखेंगे साथ साथ में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन रिलीज हुए हैं जिसे आप लोग हाइलिन प्रोटीन कहते हैं क्या नाम देते हैं हाइलिन प्रोटीन अरेंज होकर के एक लेयर और बना रहे हैं ठीक है इसे हाइलिन लेयर बोलेंगे क्या बोलेंगे यह फर्दर इसे क्या करेगा एक बैरियर की तरह फंक्शन करेगा तो जो आइलिन लेयर बन रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बन रही है या बाहर वाइटलाइन एनवेलप से बाहर या अंदर ये ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं इन्हीं को हम लोग आगे पढ़ेंगे ये चेंजेस होने वाले हैं तो देखो एक तो वाइटलाइन एनवेलप जिस पर आकर के इस पर अटैच हुआ था और देन वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया था इसके बीच में क्या बढ़ गया है डिस्टेंस ये जो कंटेंट रिलीज हुए हैं ठीक है ठीके? एक तो एंजाइम्स ने उन प्रोटीन को ब्रेक कर दिया जो स्पर्म के लिए बाइंडिंग साइड थे दूसरा वाइटलाइन इनवेल को भी से क्या कर दिया दूर कर दिया तीसरा पॉइंट है जो दूसरे कंटेंट रिलीज हो रहे हैं उन्होंने इस एनवेलप की के केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर दिया है इस चेंज की वजह से ना तो ये स्पर्म के साथ बाइंड हो सकता है और ना ही उस तरह के फंक्शन को फैसिलिटेट कर सकता है जैसा पहले था और यह हार्ड स्ट्रक्चर हो गया है कैसा हो गया है हार्ड ज्यादा स्टेबल है और एक इंटरनल कवरिंग भी डेवलप हो गई है जिसे हाइलिन लेयर बोलते हैं और इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स परमानेंटली इस फ्यूजन को रोक देंगे समझ में आ रहा है दूसरा फायदा यह है कि ये स्ट्रक्चर क्योंकि इस फ्यूजन हो चुका है जाइगोड बन चुका है डिवीजन की प्रक्रिया शुरू होगी एक सेल से दो सेल दो से चार डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हो गई ना तो जो डेवलपिंग जाइगोट है उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा जो बाहर से आने वाले फिजिकल फोर्सेस हैं उन्हें क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा ये समझ में आ रहा है ठीक है तो दो मेजर चेंजेस होने वाले हैं एक तो उन प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाएगा जो स्पर्म बाइंडिंग के लिए जरूरी है और दूसरा फर्टिलाइजेशन इनवेलप इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इनवेलप देखिए ये वाइटेलाइन इनवेलप है टिकल ग्रेन्यूल्स के कंटेंट रिलीज होने के बाद जब जो इसमें चेंज आएगा और ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर में हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा इसी कन्वर्टेड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन अर्थात वही स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हुआ है ये ध्यान रखोगे अगला क्वेश्चन ये है इसके बनने की प्रक्रिया कहां शुरू होगी तो जिस जगह पर इस पर फ्यूजन होगा क्योंकि आप इसको स्फेरिकल इस ऐसे गोल इस तरह से मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो चारों तरफ मुझे क्या बनाने पड़ेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जिस जगह फ्यूजन होगा तो पहले वहां के लोकल ग्रेन्यूल फ्यूज ठीक है? जहां पर, है, पूरे पूरे पर जहां इस पर फ्यूजन हुआ है वहीं से प्रक्रिया क्या होगी आगे की तरफ प्रोपगेट करेगी और फिर पूरे पूरे के पर से होगी आगे बढ़ते जाएंगे अब आप यह मत कहिए कि समस्या इसमें दिलीज फ्रॉम कार्टिकल ग्रेन्यूल्स क्लीव्स दी बाइंडिंग रिसेप्टर्स एंड कंपोनेंट बाइंड टू दी वाइटलाइन लाइन इनवेलप टू फॉर्म ए फर्टिलाइजेशन ये फर्टिलाइजेशन इनवेल क्या है इसके बारे में आप लोग समझ गए कोई समस्या इसमें बताइए ठीक है देखो ये इंटैक्ट मेम्ब्रेन है उसके नीचे क्या प्रेजेंट है और ये जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन आ रहे हैं ये माइक्रोविलाई है क्योंकि जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन से इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं कोई समस्या यहां पर इस पर फ्यूजन के साथ क्या हुआ मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुए और इनके जो कंटेंट है वो रिलीज होने लगे हो ना देखो यहां पर क्या हो रहा है और के बीच में क्या बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रही है ये समझ में आ रहा है और यहां पर आपको एक लाइन और नजर आ रही है ठीक है ये फर्टिलाइजेशन में रहे हैं फाइलिन ठीक है ये वाला

तो ये बाहर नहीं बन रहा है बल्कि दोनों के बीच में क्योंकि हाइलिन प्रोटीन यहां पर पॉलीमराइज़ हो जाती है इसी हम पॉलीमराइजेशन से जो एक लेयर लाइक -like स्ट्रक्चर बन रहा है उसे क्या बोलेंगे हाइलिन लेयर बोल देंगे कोई समस्या इसमें बताइए आगे बढ़ा जाए ठीक है कुछ फैक्ट है उनको देखो जस्ट विनीत दिस प्लाज्मा के नीचे लगभग 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या होते हैं

फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, विच देन लिफ्ट ऑफ एग सरफेस एंड प्रिवेंट फर्दर स्पर्म एंट्री अर्थात ये जो लेयर थी उसको क्या किया लिफ्ट किया उसके बीच में एक डिस्टेंस ठीक है क्रिएट कर दी अदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल गिव राइज टू हाईलेन लेग अंडर दर्टिलाइजेशन मेम्रेन अब आगे बढ़ा जाए ठीक है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से कंटेंट रिलीज हो रहा है तो आपके सामने एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन आएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए अभी तक तो कहा नहीं थी कि कंटेंट रिलीज हो गया जिसने प्रोटीन को ब्रेक कर दिया ठीक है और वाइटेलाइन लाइन और एग मेम्ब्रेन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया है ड्यू टू स्वेलिंग तो ये स्वेलिंग क्यों हो रही है ये समझ में आ रहा है कौन सी प्रोटीन्स रिलीज हुई जिन्होंने इंपॉर्टेंट प्रोटीन को ब्रेक कर दिया यह हाइलिन -ले लेयर क्यों बन गया तो ओवरऑल क्वेश्चन ये है कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड रिलीज होते हैं क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा और उनका फंक्शन क्या है ठीक है ये समझ में आ रहा है तो ये ग्रेन्यूल्स है जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे हैं जैसे ही स्पर्म का फ्यूजन हुआ सक्सेसफुली फ्यूज हुआ वैसे ही ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं और ये कंटेंट रिलीज करने लगते हैं रिलीज होने के साथ ही मेमब्रेन और वाइटेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगती है और एक फर्टिलाइजेशन इन्वेलप बनेगा ठीक है क्या क्या रिलीज होंगे हम लोग इस पॉइंट पॉइंट पर हैं ये समझ में आ रहा है बताइए कोई समस्या तो पांच इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और साथ में म्यूकोपोलीसेराइड है जिनके नाम याद रखने पांच प्रोटीन से है इंपॉर्टेंट और म्यूकोपोलीसेक्राइड का मतलब है इकोजामाइनो ग्लाइकन्स ग्लाइकन्स ठीक है तो इनका फंक्शन भी ध्यान रखना है सबसे पहला प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एंड अदर कंटेंट्स रिलीज बाय कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स तो सी सीअर्चिन में देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स रिलीज हुई हैं सेरिन प्रोटीएज सीजीएसपी सेरीन ये प्रोटीज एंजाइम है तो प्रोटीन को ब्रेक करेंगे यही वो एंजाइम है जो वाइटलाइन एनवेलप को मेम्ब्रेन से कनेक्ट वाली प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं ठीक कनेक्ट करने वाली प्रोटीन को क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं तो सेरिन प्रोटीएजेस ये जो प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन और वाइटेलाइन एनवेलप को क्या कर रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं इन प्रोटीन को कौन ब्रेक कर देगा सेरीन प्रोटीएजे ये ध्यान रखोगे तो कॉटिक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज हो रहे हैं कौन क्लीव्स क्लिप्स दी प्रोटीन कनेक्टिंग द्वट लाइन इनवेलब टू तो सेल मेम्ब्रेन समझ में आ रहा है और दूसरा फंक्शन ये है कि ये बाइंडिंग रिसेप्टर्स को भी कट कर देंगे ठीक है वो पोर्सन वो डोमेन्स कट करके रिमूव कर देंगे जो बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे एंड क्लिप्स ऑफ दी

इन्होंने वाइटलाइन इन्वेल्प के मेम्ब्रेन से अटैचमेंट को ब्रेक किया साथ में बाइंडिंग रिसेप्टर को ब्रेक किया और उन सभी स्पर्म के अटैचमेंट को भी ब्रेक कर दिया जो इसके साथ वाइटलाइन लाइन के साथ अटैच थे कोई समस्या इसमें बताइए इसके बाद है यूडीएक्स वन इंजाइम यूडी UD... ठीक है ये एक ऑक्सीडेज एंजाइम है ऑक्सीजन यूज करके प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन पर ठीक है और ये एंजाइम इसको थोड़ा समझना है ये एंजाइम एक्चुअल में में होता है इसमें प्रेजेंट होता है ग्रेन्यूल्स में ग्रेन्यूल की मेम्ब्रेन में एंजाइम प्रेजेंट है इसकी मेम्ब्रेन में ग्रेन्यूल लेकिन जब ग्रेन्यूल का फ्यूजन होगा मेम्ब्रेन के साथ तो ये कहां पर आ जाएंगे मेम्ब्रेन में आ जाएगा जब ग्रेन्यूल फ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन के साथ तो ग्रेन्यूलब्रेन भी कम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जब ग्रेन्यूल की मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन प्लाज्मा हो जाएगी तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंजाइम हो जाएगा तो कौन सा एंजाइम यूडीएक्स ठीक है तो यूडीएक्स वन इंजाइम क्या करता है ये एक्चुअली में ग्रेन्यूल का एंजाइम है जैसे आप लोग बाइंडिंग के बारे में पढ़ रहे थे एक्चुअल में तो एक्रोसोम की प्रोटीन थी एक्रोसोमल रिएक्शन के रिजल्ट में मेम्ब्रेन पर आ गया उसी तरह से यूडी वन किसका एंजाइम है टिकल ग्रेन्यूल की मेम्ब्रेन का लेकिन जैसे ही फ्यूजन हुआ ये कहां पर आ गया मेम्ब्रेन पर आ गया जब ये येब्रेन पर आता है तो मोलिकुलर ऑक्सीजन यूज करता है मोलिकुलर ऑक्सीजन यूज करता है और क्या बनाता है जी यही हाइड्रोजन परऑक्साइड यही फ्री रेडिकल्स इस वाइटलाइन इनवेलप में प्रेजेंट प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल इसके लिए क्रॉस लिंकिंग के लिए तो यूडीएक्स वन इंजाइम ठीक है इन दी फॉर्मर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल

ये बाइटलाइन इनवेलप के कंपोनेंट्स हैं क्या है कंपोनेंट्स ऑक्सीडेज एंड ट्रांस ग्लूटामिनेज इंजाइन यूज करके इनको क्या करते हैं क्रॉस लिंक कर देते हैं तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या पहले ज्यादा स्टेबल था आपने देखा होगा लोग घर बनाते हैं तो छत डालते हैं उसमें एक लोहे का जाल डालते हैं जब लोहे का जाल डालते हैं तो उसे क्या करते हैं बांध देते हैं लोहे के तारों से बांध देते हैं मजबूत हो जाता है ना जस्ट वही फंक्शन यहां किया गया है तो वाइटलाइन इनवेल में प्रेजेंट प्रोटीन का क्या कर लिया क्रॉस लिंकिंग और ये क्रॉस लिंकिंग किस पर बेस्ड है एक तो यू ओ टू पर इस एस टू ओ टू को किसने प्रोड्यूस किया एंजाइम और इस तू और तू के बेस पर क्रॉस लिंकिंग को चिगे ट्रिगर करते हैं दो एंजाइम ओवो फर एंड ट्रांस ग्लूटामिनेज हार्डन द वाइटलाइन

ये एक नीचे लिखा हुआ है इतनी प्रोटीन ध्यान रखोगे पांच ठीक है इंजाइम शायद आप लोग समझ पा रहे हैं ये किससे रिलीज हो रहे हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से ठीक है ये से देखो पहला भी इंजाइम था ए बी इंजाइम है और ए भी क्या है इंजाइम है यदि आप इन इंजाइम को देखें तो इन्होंने वाइटेलाइन इनवेलब के कनेक्शन को ठीक है खत्म कर दिया है एग मेम्ब्रेन से जिससे इसको लिफ्ट किया जा सके डिस्प्लेस किया जा सके ठीक है दूसरा इन्होंने उन इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स को कट कर दिया है जो स्पर्म बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ठीक है दूसरे जो सेट ऑफ एंजाइम्स हैं यूडीएक्स हैं या फिर टीजी है या ओ है ये तीन एंजाइम मिलकर के क्रॉस लिंकिंग को ठीक है ट्रिगर करते हैं विद इन व्हाइट लाइन जिससे उसे हार्ड किया जा सके और एक स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सके ये ध्यान रखेंगे पांचवा प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हाइलिन लिन प्रोटीन फॉर्म में कोटिंग अराउंड जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये एक कोट करते हैं प्रोटीन जो है प्रोटीन का एक कवर बना देते हैं ठीक है अराउंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ब्लास्टोमियर्स ड्यूरिंग क्लीवेज जो सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा और एज ए फिजिकल बैरियर भी फंक्शन करेगा ये समझ में आ रहा है ये किसके प्रोडक्ट हैं

पढ़ते ना? ये इन पर होता। इस की से बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्या एबजॉर्ब कर लेंगे वाटर जैसे आजकल थोड़ा सर्दियों का समय बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आप एक स्वेटर को पानी में डाल दीजिए एक स्वेटर लीजिए उसका एक कोना पानी में आप भिगो दे पानी जहां पड़ा हो फर्श पर एक कोना आप उसका पानी के ठीक है पानी से टच करा दीजिए थोड़ी देर में आप देखिएगा वो सारा पानी क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा पानी पी जाएगा पानी उसी में तो है ना उसी तरह से जो म्यूकोपोलीसेराइड होते हैं ये जहां पर भी आएंगे ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे क्योंकि इनके पास वाटर बाइंडिंग की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसी वजह से जब ये हमारे ज्वाइंट में आते हैं तो ये एज ए जेल फंक्शन करते हैं तो जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये जेल लाइक हो जाएंगे ठीक है और ये सॉक एब्जॉर्बेंट की तरह भी फंक्शन करेंगे ये सॉक को क्या करेंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज होते हैं जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जैसे ये रिलीज हुए तो ये वाटर के साथ बाइंड होना शुरू हो जाते हैं अर्थात यहां पर ग्लाइकोजमाइनो ग्लाइकन्स है जिसकी वजह से वाटर क्या होता है जो एक के सराउंडिंग वाटर है वो क्या करेगा मूव होकर के अंदर आने लगता है और किसके साथ बाइंड होने लगेगा म्यूकोपोलीसेक्राइड तो जब वाटर बढ़ने लगेगा तो स्वेलिंग भी आने लगेगी ये समझ में आ रहा है और ये लेयर क्या हो जाएगी स्वेल कर जाएगी तो म्यूकोपोलीसेक्राइड सिक्रेटेड बाय कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एस्टेब्लिश ए ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या एस्टेब्लिश करता हैं ठीक है चीगे? इसी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से वाटर मूव होकर के आने लगता है जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला जो रीजन है जिसमें म्यूको पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है और ये रीजन क्या होने लगता है स्वेल करने लगेगा स्वेल करने की वजह से ही ये लेयर क्या होगी दूर जाएगी या एक ने कह दिया कि अब आप दूर चले जाइए हमसे बताइए एक ने ऐसा कह दिया था कि अब आप दूर चले जाइए तो उसने कहा हाँ हम दूर जा रहे हैं ये ध्यान रखोगे ये चेंज समझ में आ रहा है तो ये किसका फंक्शन था तो वाटर एब्जॉर्बन के लिए जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ड्यू टू स्वेलिंग हो रहा है ड्यू टू स्वेलिंग और इस स्वेलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि क्या एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ये समझ गए होंगे कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिलीज होते हैं ठीक है सेन ओवोपरऑक्सीडेज ठीक है ट्रांस ग्लूटामिनेज एंड हाइलिन प्रोटीन साथ साथ में कौन म्यूको कोई समस्या यहां पर बताइए देखो यहां पर इस तरह से एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाया गया है आप इस केस को थोड़ा समझ दे जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया देखो नॉर्मल कंडीशन में ये माइक्रोबिलाई है प्रोजेक्शन है सर्फेस पर उन प्रोजेक्शन के बाहर जो रेड कलर का आपको पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ये है वाइट लाइन इन क्या है जैसे मेम्ब्रेन इस तरह से है ये मेम्ब्रेन है थोड़ा इरेगुलर है ड्यू टू प्रोजेक्शंस माइक्रोविलाई की वजह से ये कैसा है इरेगुलर इसी इरेगुलर स्ट्रक्चर के साथ ही कौन प्रेजेंट है ये है ये समझ में आ रहा है ठीक है ये क्या है ग्रेन्यूल्स जैसे ही फ्यूजन हुआ ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या होंगे फ्यूज होंगे और अपने कंटेंट को क्या करेंगे रिलीज करेंगे जैसे ही रिलीज करेंगे तो आप यहां पर देखिए ये जो लेयर था वाइटेलाइन इनवेलप था यहां बहुत थिन है लेकिन अब किसकी थिकनेस क्या हो गई है बढ़ना शुरू हो गई और देखिए डिस्टेंस भी बढ़ने लगा है डिस्टेंस भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है यह जो माइक्रोबिलाई है ये प्रोजेक्शन भी थोड़े बड़े हो रहे हैं ड्यू टू ए पॉलिमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट की वजह से ये प्रोजेक्शन भी इलांगेट कर रहे हैं लेकिन वाइट लाइन इनवेलप क्या हो चुका है दूर हो चुका है यह समझ में आ रहा है ये जो स्वेलिंग आ रही है वो म्यूकोपोलीसेराइड की वजह से है क्योंकि इसने क्या एब्जॉर्व किया है वाटर और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन इनवेलप ये इनवेलप थिक और हार्ड इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहां क्रॉस लिंकिंग भी हो रही है क्या हो रही है इस क्रॉस लिंकिंग के लिए दो इंजाइम रिस्पॉन्सिबल है एक कौन है एंड सेकेंड इज इनके लिए जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए इनको क्या चाहिए हाइड्रोजन परऑक्साइड ये हाइड्रोजन परऑक्साइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है और यूडीएक्स एक्चुअल में किसका एंजाइम था लेकिन जब ग्रेन्यूल का फ्यूजन हुआ तो कहां आ गया मेमब्रेन कोई समस्या ठीक है इस तरह से एक हार्ड कवरिंग बन गई है बाहर Membrane और व्हाइट फर्टिलाइजेशन इनवेल्प के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है वो रिसेप्टर्स और प्रोटीन्स ब्रेक किए जा चुके हैं जो स्पर्म बाइंडिंग के लिए जरूरी थे इस वजह से ये परमानेंट ब्लॉक होगा जो स्लो ब्लॉक है वो कैसा होगा परमानेंट वही समस्या यहां पर एन हार्ड एंड इमेट्रेबल क्रॉस लिंक अराउंड द एग आफ्टर कॉर्टिकल रिएक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इनवेल या आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद वाइट इनवेलप को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन इनवेलप कहते हैं ये हार्ड है पेनेट्रेबल है नहीं स्पर्म इस इसे पेनेट्रेट नहीं कर सकते हैं ध्यान रखोगे फाइलिन मेम्ब्रेन इसके बाहर है या इसके अंदर होगा कोई समस्या यहां पर द फर्टिलाइजेशन इनवेलप स्टार्ट टू फॉर्म एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री एंड कंटिन्यूज इट्स एक्सपेंशन अराउंड द एग तो जहां से स्पर्म की एंट्री हुई है वहां से इसकी शुरुआत होगी और फिर यह चारों तरफ क्या होगा यह रिएक्शन फैलता हुआ जाएगा अर्थात कंप्लीट होगा चारों तरफ तो शुरुआत कहां से होगी इसको भी ध्यान रखना है ठीक है 20 एंड ऑफ फर्स्ट मिनट ऑफ फर्टिलाइजेशन लगभग स्पर्म फ्यूजन के 20 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है ये समझ में आ रहा है तो ट्वेंटी सेकेंड के साथ ही क्या हो गया है ट्वेंटी सेकेंड बाद स्टार्ट हो गया है। ये ध्यान रखोगे लेकिन इससे पहले फंक्शन कौन कर रहा है फास्ट ब्लॉक तो जब तक फास्ट ब्लॉक न्यूट्रल होगा तब तक ये स्टेब्लिश हो जाएगा ये सभी लोग ध्यान रखोगे बताइए और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे कि और भी कुछ बड़ी बड़ी बातें होगी बड़ी बड़ी जो बातें होनी थी वो चुकी जो कुछ था इसमें वो हम लोग पढ़ चुके हैं कोई समस्या बताइए अब अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को किसने बताया कि भाई आप चले जाओ मेम्रेन पर फ्यूज हो जाओ या ये खुद चश्मा लगाए बैठे रहते हैं और जैसे ही देखा इस पर हो फ्यूजन होगा तो देखिए कैल्शियम के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये कॉर्टिकल रिएक्शन को ट्रिगर कौन करता है हम लोग इस पॉइंट पर आ रहे हैं ठीक है कॉर्टिकल रिएक्शन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को किसने इंड्यूस किया

कैसे शुरू होती है क्योंकि अभी जब स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा तो कैल्सियम तो कैसे रिलीज होता है उसका सेलुलर और मॉलिकुलर मैकेनिज्म क्या है उसको एक अलग क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे लेकिन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन को इंड्यूस कौन करता है आज की जो है आज की क्लास में तो हम क्या बोलेंगे कैल्सियम क्या मोलिकुलर उसको अलग से डिस्कस करेंगे यहां पर दो पॉइंट डिस्कस करेंगे इंड्यूस कैल्सियम ने किया और ये कैल्सियम कहां से आया से आया सेल सेल के बाहर से या ने जो अपने ऑर्गेनल्स में आयालियम स्टोर कर रखा था उस कैल्सियम ने इसको ट्रिगर किया है ठीक है इन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और जो मैकेनिज्म है जो सिग्नलिंग है उसको दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है क्योंकि उसके और भी सारे रिलेशन है देखो सभी लोग जैसे ही एक स्पर्म फ्यूजन होगा एक स्पर्म फ्यूजन हुआ इस फ्यूजन के साथ ही एक का साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन क्या होगा इंक्रीज होने लगेगा साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन यही साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन ट्रिगर करेगा फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रिगर्ड बाय या इंड्यूस्ड बाय बताइए कैल्शियम ठीक है हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और बहुत समय तक रिसर्च में भी क्वेश्चन रहा कि ये कैल्सियम सेल के बाहर से आया आप सभी लोग जानते हैं कैल्सियम पंप प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन पर तो एक क्वेश्चन ये भी रहा होगा कि कैल्सियम सेल के बाहर से अंदर आया था या कैल्सियम जो विद इन सेल स्टोर किया गया है इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम से उससे रिलीज हुआ तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि जो कैल्शियम आ रहा है जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सेल के बाहर से नहीं आ रहा है बल्कि इंडो रेटिकुलम में स्टोर्ड कैल्शियम ही क्या हुआ रिलीज हुआ अर्थात एग ने कैल्शियम ऑलरेडी स्टोर कर रखा है ठीक है और सेल ऑर्गेनल्स के लेवल पर आप सभी लोग जानते हैं ई आर इंपॉर्टेंट साइट है कैल्शियम स्टोरेज की और वहां से क्या हुआ ये रिलीज हो गया अर्थात इंटरनल कैल्शियम रिलीज हो गया ये ध्यान रखोगे

और जैसे कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो बचे हुए दस सेकंड में वो मशीनरी को ट्रिगर कर रहा है जिससे कार्टिकल रिएक्शन क्या हो गई शुरू हो गई तो अभी हम लोगों ने यहां पर इससे पहले डिस्कस किया कि फर्टिलाइजेशन इन फॉर्मेशन की प्रक्रिया विद इन ट्वेंटी सेकेंड में शुरू हो जाती ये ध्यान रखोगे ठीक है एंड फ्री कैल्शियम इज री सिक्वेस्ट शॉर्टली आफ्टर बींग ठीक है रिलीज और बहुत जल्द ही जो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हुआ है उसको सिक्वेस्टर कर लिया जाएगा उसे फिर रिस्टोर कर लिया जाएगा और सभी सेल्स में ऐसा ही होता है कैल्शियम एक यूनिवर्सल पावरफुल सेकेंडरी मैसेजर है बहुत ज्यादा समय तक इसका लेवल सेल में इंक्रीज नहीं रहता है ये रिलीज होता है लेवल इसका सेल विद इन सेल इंक्रीज होगा और अगले ही चीज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसका लेवल क्या होगा रिड्यूस करता जाएगा बहुत सारी ये सक्सेसिव वेव्स आती रहती हैं कैल्शियम की इस पॉइंट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम रिलीज हुआ साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन क्या हुआ इंक्रीज़ हुआ फिर इसको सिक्वेस्टर कर लिया, ठीक है? फिर ये रिलीज होगा तो, तो, वन वन, तो यहां पर भी रिलीज को किसने ट्रिगर किया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के फ्यूजन और उसके कंटेंट के रिलीज को ट्रिगर किया कैल्शियम ने ठीक है ये कैल्शियम कहां से रिलीज हुआ था अब सभी लोग जानते हैं ER पर चैनल्स होते हैं जिन लोगों ने सिग्नलिंग पढ़ रखा है आई पी थ्री फास्टोल आई पी सी कैसे एक्टिव हुआ? हुआ जिसने पी आई पी टू को ब्रेक किया आईपी थ्री और डैग में कैसे जनरेट हुए उन रिलेशन को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे इन सी आर चेन एंड राइज इन कैल्सियम concentration responsible फॉर the cortical granule रिएक्शन is रिलीज फ्रॉम endoplasmic रेटिकुलम अर्थात intracellular store स्टोर कैल्शियम ठीक है influx देन इनफ्लक्स फ्रॉम आउटसाइड egg after ठीक है बींग रिलीज थोड़ा सा इसका कोई मतलब नहीं तो ये सभी लोग ध्यान रखोगे बताइए ये कौन सा प्रोसेस है फास्ट ब्लॉक ध्यान रखोगे फास्ट ब्लॉक की कहानी पढ़ चुके हैं नहीं तो फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक दोनों मीडियम ब्लॉक आप बना दें कि ना फास्ट और और ना ही स्लो दोनों मिलकर के क्या हो गया मीडियम ब्लॉक हो गया तो फास्ट फास्ट ब्लॉक 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 एंड स्लो में चेंज इन मेमब्रेन पोटेंशियल बहुत सिंपल है ठीक है मेमब्रेन पोटेंशियल को आप लोग ध्यान रखना है मेम्बरेन पोटेंशियल में क्या हुआ डिफरेंस आ गया जैसा आप लोग एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हो लेकिन स्लो ब्लॉक में परमानेंटली ब्लॉक कर दिया पॉलिस को क्योंकि फर्टिलाइजेशन इनवेल डेवलप हो गया है फ्रॉम वाइटेलाइन इनवेलप कौन कौन सी प्रोटीन्स और कम्यूकोपोलीसेराइड्स के रोल क्या थे आप ये ध्यान रखिएगा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं और हमेशा बनते रहेंगे ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं वो दोबारा जीवन में पूछे नहीं जाएंगे ऐसा होता तो जो आप एमएससी कर रहे होते आप एमएससी कर चुके होते तो फिर क्यों बोला जाता दूसरे स्टूडेंट्स को कि आप एमएससी कर लीजिए अब तो आप जाकर के ये बोलते कि मैं कर चुका हूं आप क्यों वो एमएससी करते हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं ठीक है तो ये इसको ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट है प्रोटीन को ध्यान रखेंगे क्योंकि जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें यदि आप कई सारे स्टूडेंट इसको लेकर के बहुत कि बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं कोई चेंज नहीं हुआ है CSIR में पहले क्या करते थे जनरल कॉन्सेप्ट पूछ लेते थे अब क्या कर रहे हैं उन जनरल कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन को भी पूछ रहे हैं उन कंपोनेंट्स को पूछ रहे हैं ठीक है तो आपको वाइटलाइन इनवेलप का फर्टिलाइजेशन इनवेल्प में कन्वर्ट होने का प्रोसेस आपको पता है ये पूछ सकते हैं साथ साथ में जो इंजाइम्स हैं जैसे यूडीएक्स वन है ठीक है या फिर जो सेन प्रोटीज हैं इसके बारे में भी स्टेटमेंट दे देंगे एक दो कि ये क्या रोल है तो वही कॉम्प्लिकेटेड नजर आने लगेंगे क्योंकि स्टूडेंट केवल ओवरऑल ध्यान रखता है कि हाँ, सी में फर्टिलाइजेशन हुआ था ऐसा कुछ था लेकिन कैसे हुआ था ये तो किताब में लिखा हुआ है आपको यदि जानना है तो आप जाकर के वहां चले जाइए देख लीजिए नहीं तो नोट्स खोल करके देख लीजिए मेरा ठीक है तो बाकी टॉपिक्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे